Hello everyone, Ashutosh Pratihast this side and we are at the fourth episode of Polish Your Network Marketing Skills podcast series. और आज के इस एपिसोड के अंदर हम लोग सीखने वाले हैं बहुत ही ज्यादा क्रूशियल स्किल जो अभी तक का सबसे ज्यादा क्रूशियल स्किल है एंड दैट इज इनविटेशन कि लोगों को हम किस तरह से इनवाइट करें कि हमारे इनविटेशन के बाद सामने वाला इंसान जरूर हमारे वेबिनार में या फिर जो वीडियो हम उसको शेयर करने वाले हैं उस वीडियो को वो जरूर देखे. इनविटेशन का मतलब पहले क्या होता था कोरोना वायरस से पहले कि इनविटेशन का मतलब ये होता था कि हम अपने इवेंट पे या हम अपने वन ऑन वन मीटिंग्स के लिए लोगों को इनवाइट कर पाएं. बट आज कोरोना के अंदर ज्यादातर टीम्स और ज्यादातर कंपनीज के लोग ज्यादातर बढ़िया बढ़िया टीम्स जो हैं वो शिफ्ट हो चुकी है और पूरा का पूरा काम डिजिटली कर रही हैं. तो अभी इनविटेशन का मतलब ये होने वाला है कि हम अपने या तो वीडियो देखने के लिए सामने वाले को इन्वाइट करें या फिर हम अपने वेबिनार के अंदर जो हमारी टीम का सिस्टम होता है आपकी टीम का सिस्टम होता होगा तो उसके अंदर कैसे हम लोगों को इन्वाइट करें सो दैट लोग जरूर आए. ठीक है. और इन्हीं सेम प्रिंसिपल्स को आप चाहो तो फिजिकल वर्ल्ड पे भी इंप्लीमेंट कर सकते हो. मतलब जब कोरोना वायरस का लॉकडाउन खत्म होगा उसके बाद अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो या इस पॉडकास्ट को सुन रहे हो तो उस टाइम भी आप इन प्रिंसिपल्स को जरूर यूज कर सकते हो जो मैं अभी आज के इस पॉडकास्ट के अंदर बताने वाला हूं आप लोगों को. ऑलराइट, सो विल बिगिन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई वांट टू टेल यू इज अगर आपने इसे पहले के एपिसोड्स नहीं देखे हैं एपिसोड 1 एपिसोड 2 एपिसोड 3 नहीं देखा है तो ये एपिसोड आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल नहीं होने वाला है क्योंकि बेसिक्स आपके क्लियर नहीं होंगी और सिस्टमैटिक वे से आप चीजों को नहीं सीख रहे होंगे. राइट, तो मैं ये चाहता हूं कि आप पहले जाके उन तीनों एपिसोड्स को सुने, प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाएं और उसके बाद आप फोर्थ एपिसोड पे आएं क्योंकि मैं आपके लिए आज बहुत ही वैल्यूएबल कंटेंट लेके आया हूं. तो मैं सच में चाहता हूं कि आप पूरी तरीके से प्रॉपर तरीके से चीजों को ग्रैब करें और आप अपने बिजनेस को बढ़ाएं. ऑलराइट, सो विल स्टार्ट. एंड इनवाइट करने से पहले मैं आपको ना नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर सक्सेसफुल होने का और बहुत ज्यादा पैसा कमाने का एक सबसे बड़ा सीक्रेट बताना चाहता हूँ जो मेरी लाइफ में मैंने इंप्लीमेंट किया है और आप भी अगर उस काम को आप कर गए तो आप बहुत पैसा कमा लोगे. और वो काम क्या है, देखो सिर्फ खुद काम करने से और सिर्फ खुद रिजल्ट्स लेने से नेटवर्क मार्केटिंग में असली कामयाबी नहीं मिलती है. आप हो सकता है आप बहुत सारा पैसा कमा लोगे लेकिन वो पैसा सिर्फ एक्टिव होगा आपका. लेकिन अगर आप जिस तरह की एक्टिविटीज करने हैं, बहुत छोटी छोटी सी एक्टिविटीज होती हैं, जो स्किल्स हम इस पॉडकास्ट सीरीज के अंदर सीखने वाले हैं ना, सिर्फ उतने ही स्किल्स अगर आपने एक लार्ज ग्रुप ऑफ लोगों को, बहुत सारे लोग, उनको आपने सेम एक्टिविटी करना सिखा दिया और थोड़े लंबे टाइम तक उनसे सेम एक्टिविटीज करवा लिया तो वो तो कामयाब होंगे ही होंगे, आपको बहुत ज्यादा कामयाब कर देंगे. मतलब कामयाबी का एक सिंपल सा सूत्र है कि आप सिर्फ खुद एक्टिविटीज करें और खुद रिजल्ट्स लें, उससे बहुत ज्यादा कामयाबी आपको नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर नहीं मिलने वाली है. बट अगर आपने एक लार्ज ग्रुप को, बहुत सारे लोगों को सेम एक्टिविटी करना सिखा दिया, ठीक है, और उनसे बहुत लंबे टाइम तक वो सेम एक्टिविटीज करवा लिया आपने, तो आपके पास जो रिजल्ट्स मिलेंगे वो कंपाउंडिंग इफेक्ट लेके आएगा वो, और बहुत सारा पैसा आप कमा लोगे, आपकी टीम भी कमा लेगी. राइट, तो अब चलते हैं इन्विटेशन करने से पहले मैं आपको ना दो तीन चीजें बताना चाहता हूं जिस पे आपको बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है. और मतलब ये जो स्टेप्स मैं आपको बताने वाला हूँ, ये जो टिप्स मैं आपको बताने वाला हूँ, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. इनविटेशन की शुरुआत करने से पहले इसको अपने दिमाग में बिठा लेना. पहला कि आपको इमोशनली खुद को डिटैच कर लेना है आउटकम से. मतलब आपका आउटकम हाँ आए चाहे आपका आउटकम ना आए, आपको इमोशनली बिल्कुल डिटैच कर लेना है. मैंने अपने गो डिजिटल ई बुक के अंदर भी ये बातें बता रखी थी कि अगर आप चाहते हो कि आपको सच में रिजल्ट्स मिले तो आपको इनिशियल लेवल पे रिजल्ट से बिल्कुल खुद को डिटैच करना होता है. क्यों? क्योंकि सबसे बड़ी बात ये होती है, देखो हमारा इनिशियल जो गोल है ना, हमारा जॉब है ये कह लो आप, कि लोगों को हम एजुकेट कर पाएं और लोगों को समझा पाएं. जो लोग अंधे हुए पड़े हैं ना, जो कस्टमर्स बिल्कुल ब्लाइंड कस्टमर्स हैं, ठीक है, इमोशनल फूल्स जिसको हम बोल सकते हैं, कि कैडबरी डेयरी मिल्क को खिलाने से आपकी गर्लफ्रेंड मान जाएगी इस बात पे भरोसा करके कैडबरी डेयरी मिल्क खरीदने वाले लोग, ठीक है, माउंटेन ड्यू पीने के बाद आप पहाड़ से छलांग मार दोगे इस बात पे माउंटेन ड्यू की सेल्स बढ़ रही है इस तरह के लोग, ठीक है. ऐश्वर्या राय बच्चन जो करोड़ों के मैंशन में रहती है, उसको उसने बोला कि 10 रुपए के लक्स जो साबुन है वो मेरी खूबसूरती का राज है, ठीक है, और इस बात पे उसकी सेल्स बढ़ रही है. तो इस तरह का जो मार्केट है, ब्लाइंड कस्टमर्स जो है, उनको एजुकेट करने का, उनको समझाने का काम है हमारा. अब ये अगर हमने यहां पे गलती कर दी ना कि हम इमोशनली बिल्कुल अटैच्ड हो गए अपने रिजल्ट से, तो हम हंटर बनने से हमें कोई नहीं रोक सकता. हमारा मेन फोकस एक ही रहेगा कि ये बंदा या तो मेरा डिस्ट्रीब्यूटर बने या मेरा कस्टमर बने, ये बंदा मेरा या तो डिस्ट्रीब्यूटर बने या मेरा कस्टमर बने. तो वहां पे हम कभी भी एक कंसल्टेंट या फिर कोच की तरह उभर के नहीं आ सकते. तो हमें क्या करना है, हमें इनिशियली इमोशंस डिटैच कर लेने, क्योंकि आपको मैंने बताया पिछले एपिसोड के अंदर भी बताया, अगर आप इस तरह से काम करोगे कि आपको रिजल्ट से मतलब ही नहीं है, आपने 50, 100, 150 लोगों से ना ही सुन लिया, सिर्फ लोगों ने आपको ना बोला,
ट्रस्ट मी, हर एक बार जब आप ना सुनोगे ना, अगर आपने खुद को एनालाइज करना शुरू कर दिया कि मैंने गलती कहां पे करी थी, तो आपको आपकी गलतियां समझ आएंगी। और उसके बाद जैसे ही आपको गलतियां समझ आए, तो आपको गैप नहीं लेना है, आपको दोबारा तुरंत रिट्राई करना है, तुरंत रिट्राई करना है। काफी सारे लोगों का नुकसान कहां पे होता है, काफी सारे लोग कामयाब क्यों नहीं हो पाते, एक बार गलती करी, दो बार गलती करी, पांच बार गलती करी, पांच बार गलती करने के बाद इंसान थक जाता है, थक के बैठ जाता है। उसके बाद वो 10 दिन 20 दिन का गैप ले लेगा, 20 दिन बाद वो देखेगा, अरे यार ये तो मेरे साथ वाला था, ये तो कामयाब हो रहा है, इसके तो रिजल्ट्स आ रहे हैं, इसको पैसे आ रहे हैं, इसको चेक्स आ रहे हैं। 20 दिन बाद दोबारा से रिएक्टिव होगा, या तो वो देख लेगा कि उसका अपलाइन ही बहुत ज्यादा आगे चला गया, तो वो दोबारा से एक्टिव होगा। अब जब दोबारा से एक्टिव होता है ना इंसान 20 दिन के, 25 दिन के, या 2 महीने के बाद, तो उसको दोबारा से जीरो से स्टार्ट करना पड़ता है इस बिजनेस के अंदर। इस बात को समझो आप कि बिल्कुल सारे स्किल्स वो भूल गया, सारी गलतियां जो उसने करी और गलतियों से जो उसने सीखा वो सारे उसके दिमाग से निकल चुका है, और उसको जीरो से रीस्टार्ट करना पड़ेगा। पढ़ाई में भी होता है ना ऐसा कि अगर हम डेली 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 पढ़ रहे हैं, हमने 4 दिन छोड़ दिया तो हम बहुत दिन पीछे चले जाते हैं, ये कहावत है। तो सिमिलरली आप नेटवर्क मार्केटिंग करते हो तो रीट्राई आपको तुरंत करना है, फास्ट करना है। इसलिए मैं बोलता हूं हमेशा कि फेल फास्टर, ठीक है। और अपने आप को इमोशनली डिटैच कर लो, क्योंकि अगर आप ताश खेल रहे हो ना, तो आपको ये बात माननी है और ये फैक्ट है कि ताश के पत्ते में 4 इक्के जरूर हैं, ठीक है। लेकिन आप इनिशियली अगर आपको 2 की पत्ती हाथ लग रही है, 5 की पत्ती हाथ लग रही है, 9 की पत्ती हाथ लग रही है, तो बहुत सारे लोग क्या होता है 5 की पत्ती फेंक देते हैं। मतलब मान लो एक इंसान को ज्वाइन करा लिया, उसने थोड़ा बहुत काम करके दिखा दिया, तो इनको लगता है कि इसी को बनाऊंगा मैं सक्सेसफुल, और ये लाखों कमाएगा तो मैं तो कमा ही लूंगा। अब बात यह है कि हम बहुत जल्दी ये मान लेते हैं कि ये बंदा बहुत ज्यादा बड़ा लीडर बन सकता है, ये बंदा बहुत ज्यादा बड़ा लीडर बन सकता है, बट जब ऐसा नहीं होता तो हम इमोशनली बहुत दुखी होते हैं। और इनविटेशन करते टाइम पे मेन मुद्दा यही समझना है आपको कि आपको इमोशनली अपने रिजल्ट से खुद को डिटैच कर लेना है। आया तो बहुत बढ़िया, नहीं आया तो सिंपल चीज है ना, मैंने आपको पिछले एपिसोड में बताया प्रोस्पेक्ट्स की कमी नहीं होनी चाहिए। आपको अगर याद हो, अगर आपको ना पता हो, मैं आपको दोबारा से याद दिला दूं, बता देता हूं 18th of December को मेरा एक डिटेल्ड सेशन होने वाला है। उस डिटेल्ड सेशन के अंदर आपको जानने को मिलने वाला है आपकी जो 2 मेजर प्रॉब्लम है ना नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, कि लीड जनरेशन कैसे करूं, और लीड जनरेशन के अलावा दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि अगर मुझे कोई टर्नओवर जनरेट करना है, मान लो मुझे 30,000, 40,000, 50,000 का इनिशियल टर्नओवर जनरेट करना है, तो वो इनिशियल टर्नओवर जनरेट करने के लिए अगर मेरे पास पैसे नहीं है, या मेरी टीम में कोई इंसान ऐसा आ रहा है जिसको टर्नओवर जनरेट करना है पर उसके पास पैसे नहीं है और वो चाहता है करना, तो इन दोनों प्रॉब्लम का मेजर सोल्यूशन मैं आपको देने वाला हूं 18 दिसंबर के सेशन के अंदर। आपको आई बटन पे, आपके स्क्रीन के टॉप राइट कॉर्नर पे आई बटन पे आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। उस वीडियो को देखने के बाद आपको पूरी डिटेल समझ आ जाएगी। सिर्फ 2 प्रॉब्लम नहीं, 5 प्रॉब्लम का सोल्यूशन देने वाला है। और उसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक मिल जाएगा रजिस्टर करने का, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपसे 1 रुपए भी चार्ज नहीं किया जाएगा। और इस वीडियो के अंदर जो ये पॉडकास्ट आप देख रहे हो, इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक मिल जाएगा, आप रजिस्टर कर सकते हो। और आप वेट करना, 18 दिसंबर को धमाका होने वाला है। ऑलराइट, सो पहला मैंने बता दिया आपको बिल्कुल रिजल्ट आउटकम से खुद को डिटैच करना है। दूसरा, जैसे हो वैसे रहो, बी योरसेल्फ। जैसे आप हो ना वैसे, क्योंकि बहुत सारे लोग जब नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं और जब इनवाइट करने की बारी आती है तो बिल्कुल अलग ही पर्सनालिटी बन जाते हैं, अलग ही। अभी तक वो दोस्त थे, तू तड़ाक करके बात कर रहे थे, तुम करके बात कर रहे थे, या तू करके बात कर रहे थे, अचानक से वो सर करके और आप करके बात करने लग जाते हैं। तो आप मुझे बताओ कौन सा ऐसा इंसान होगा जिसको ये सेंस नहीं होगा, जो आपको नहीं पकड़ पाएगा कि ये अचानक क्यों इतना बदल गया यार। हर इंसान तुरंत में पकड़ेगा ना कि यार अभी तक तो ये तू तड़ाक से बात कर रहा था, अभी तक तो नॉर्मल बातें कर रहा था जैसे नॉर्मल लोग बात करते हैं, अभी अचानक ही इसके अंदर कोई ना कोई दाल में कुछ ना कुछ तो काला है। तो वहां पे यू हैव टू बी योरसेल्फ, नंबर 2। नंबर 3 क्या है? नंबर 3 है कि आपके अंदर पैशन होना चाहिए, आपके अंदर एंथुसियाज्म होना चाहिए, आपके अंदर एक्साइटमेंट होना चाहिए, ठीक है। एक्साइटमेंट इज कॉन्टैजियस, बात को समझो। कॉन्टैजियस का मतलब क्या होता है? जो बीमारी फैलती है ना। तो एक्साइटमेंट एक ऐसा कॉन्टैजियस है कि अगर मैं एक्साइटेड हूं तो मेरा लिसनर भी एक्साइटेड होगा। अगर मैं पॉडकास्ट बना रहा हूं, पॉडकास्ट बनाते टाइम पे मैं अगर धीरे धीरे बात करूं, आराम आराम से बात करूं कि अरे सर आप इस पॉडकास्ट को सुन के बहुत ज्यादा अच्छा क्रिएट करने वाले हैं अपने बिजनेस के अंदर, और मैं ये मानता, अगर मैं इस तरह से बात करूंगा ना, तो मैं बता रहा हूं लीस्ट ऑडियंस को इंटरेस्ट आने वाला है मेरे इस तरह से बात करने के तरीके पे। बात समझ रहे हो? अगर मैं एक्साइटमेंट के साथ बात करूं, एंथुसियाज्म के साथ बात करूं, मेरे आवाज के अंदर थोड़ा सा पैशन हो, तो आपको भी मजा आने वाला है। और सिमिलरली अगर आपके आवाज में पैशन हो तो आपके लिसनर को भी बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। बट अगर आप इस तरह से डरे डरे, अंडर कॉन्फिडेंट कि वो ना भाई, ये ना, हाँ ना, तो आप खुद घबराए हुए, और वो घबराहट सेंस हो जाती है, और वो घबराहट तब तक नहीं जाएगी जब तक आपके अंदर आप कम से कम 100 लोग, 200 लोग, 500 लोग पे प्रैक्टिस ना कर लो।
प्रैक्टिस अगर आपकी बहुत खतरनाक, इसलिए मैंने बोला ना डेटाबेस को स्ट्रॉन्ग करो, डेटाबेस को स्ट्रॉन्ग करो, डेटाबेस चाहिए। अगर डेटाबेस में आपने काम कर लिया तरीके से तो आपके अंदर जो एक्साइटमेंट, जो फ्लुएंसी आएगी ना और जो कॉन्फिडेंट आएगा वो कोई आपका हाथ नहीं पकड़ सकता, ट्रस्ट मी, राइट। तो आपको ये काम करना है। नंबर थ्री मैंने बता दिया, यू विल हैव टू ब्रिंग सम पैशन, सम एंथुसियाज्म आपके अंदर, एंड मतलब कुछ म्यूजिक सुनना चाहते हो म्यूजिक को सुनो जो आपको इंस्पिरेशन, इंस्पायरिंग लगे, ठीक है। अब जब भी आप फोन पे रहते हो तो आपका चेहरा स्माइलिंग होना चाहिए क्योंकि ये आपके दिमाग के अंदर ना डोपामाइन रिलीज करता है, हैप्पी हार्मोन्स को रिलीज करता है। अगर आपने इन चीजों को फॉलो किया ना तो आपके रिजल्ट्स बहुत ज्यादा बढ़िया मिलने वाले। और चौथी चीज, एक और बात बताता हूं मैं आपको, आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट दिखने चाहिए, ठीक है। आप अगर कॉन्फिडेंट नहीं होंगे अपने प्रोडक्ट को लेके, आपका अगर कन्विक्शन स्ट्रांग नहीं होगा अपने प्रोडक्ट को लेके, प्रोडक्ट से मेरा मतलब सिर्फ प्रोडक्ट नहीं है, प्रोडक्ट से मतलब मेरा ये भी है कि आपकी अपॉर्चुनिटी, आपका जो प्रोजेक्ट है, अगर आप अपनी कंपनी को लेके, अपने प्रोडक्ट्स को लेके कॉन्फिडेंट नहीं है तो आप सामने वाले तक वो एंथुसियाज्म ट्रांसफर नहीं कर सकते। तो आपका कॉन्फिडेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है, और कॉन्फिडेंट होने के लिए आपका प्रोडक्ट्स को यूज करना और ज्यादा डिटेल्ड जानकारी लेना, और ज्यादा रिसर्च करना, और ज्यादा एजुकेशन लेना बहुत जरूरी है। अगर आप खुद एजुकेटेड नहीं है तो आप अपनी टीम को खराब कर देंगे। आप किसी को इन्वाइट करना चाहेंगे, आपके अंदर से वो अंडर कॉन्फिडेंस झलक जाएगा सामने वाले को, और वो सेंस कर लेगा बातों को, और जब सेंस कर लेगा बातों को तो वो आपके साथ नहीं करने वाला बिजनेस, ये पहले ही सुन लो। तो चार पॉइंट्स आपको दिमाग में रखने हैं, आगे चलते हैं। जब भी आप किसी को इनवाइट करेंगे, अब मैं आपको 8 स्टेप्स बताने वाला हूं। मैंने बताया ना ये पॉडकास्ट, ये एपिसोड आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस एपिसोड को पूरी टीम के साथ शेयर करना सो दैट उनको भी समझ आए कि हमें इनवाइट एक्चुअली करना कैसे है और किन बातों को अपने दिमाग में ध्यान रखना है, राइट। तो जो मैं अभी तरीका बता रहा हूं आपको, 8 स्टेप्स बता दे रहा हूं, 8 स्टेप्स, इन 8 स्टेप्स में मेरी एक वीडियो भी आएगी, उस वीडियो के अंदर थोड़ा और डिटेल में बात करने वाला हूं मैं। तो आप ध्यान दें, ये जो 8 स्टेप्स मैं दूंगा आपको, इसके अंदर ये तरीका ईमेल पे या टेक्स्ट पे काम नहीं करेगा। ये तरीका सिर्फ या तो फेस टू फेस या तो ओवर द कॉल आप यूज कर सकते हो, और बहुत ही तगड़ा काम करने वाला है। तो स्टेप वन क्या है, जब भी आप किसी को इनवाइट करोगे ना तो आपको जल्दबाजी में रहना है, आपको तुरंत तुरंत में रहना है, आपको फील कराना है सामने वाले को कि मैं बिजी हूं। कैसे करना ये मैं आपको अभी बताऊंगा, लेकिन इसके फायदे क्या है। जब आप बिजी शो करते हो सामने वाले को तो पहली बात आपकी तरफ उसका अट्रैक्शन बढ़ता है। देखो दुनिया को ना सिर्फ वही लोग पसंद हैं जो बिजी रहते हैं, जो प्रोडक्टिव रहते हैं, जो काम में लगे रहते हैं, जिनके पास 75 काम है करने के लिए। आपने गाना सुना होगा ना डिवाइन का, काम 25 है, काम 25 है। तो जिसके पास काम 25 है लोगों का अट्रैक्शन अपने आप उसकी तरफ आएगा, पर जो वेला है, जो खाली है, जो मतलब आवारा है, उसकी तरफ किसी का भी अट्रैक्शन नहीं जाता, ठीक है। अगर आप घंटों बातों करने के लिए उसके साथ एक्टिव हो, देखो आपका काम क्या है, इनवाइट करना सामने वाले को, बट गलती कहां पे होती है हमसे, हम फोन पे ही प्रेजेंटेशन देना शुरू कर देते हैं। सामने वाला बंदे 4 बार बोलता है हमें कि भाई थोड़ा तो बता दे, थोड़ा तो बता दे, थोड़ा तो बता दे, और वहां पे हमें ऐसा लगता है कि चल यार ये इतना पूछ रहा है तो मैं बता ही देता हूं। सबसे बड़ी गलती है ये, चाहे वो 10 बार पूछे, चाहे वो 100 बार पूछ दे, चाहे वो 150 बार पूछ दे, जहां पे आपने इन्विटेशन के टाइम पे प्रेजेंटेशन देने की शुरुआत करी, आपने अपने प्रोस्पेक्ट को खुद से मार दिया, खत्म कर दिया, वो आपके साथ कभी ज्वाइन नहीं करने वाला है। आप समझो ना इस बात को कि सामने वाला बार बार बोल रहा है, इसका मतलब वो क्यूरियस है, और अगर वो क्यूरियस है, उसकी क्यूरियोसिटी हमने खत्म कर दी तो ये हमारे साथ नहीं आएगा, लेकिन अगर क्यूरियोसिटी बना के रखी तो ये 100% मेरे बिजनेस के अंदर आएगा, ठीक है। तो अगर मैं इसको नहीं बताता हूं तो इसका मतलब ये भी है कि इसको लगेगा कि मैं डेस्परेट नहीं हूं अपने बिजनेस को लेकर, राइट, और वहां पे काम बनता है। तो पहला फायदा क्या हुआ, आप बिजी शो हो रहे हो। दूसरा फायदा ये होगा कि जब उसको पता लग गया कि ये बंदा बिजी है तो वो कभी भी आपसे 75 तरह के सवाल नहीं पूछेगा कि भाई ये तो बता, भाई वो तो बता। आपने पहले ही बता दिया भाई मैं बिजी था, मैं बिजी हूं, ठीक है। अब वो आपसे बहुत सारे सवाल नहीं पूछने वाला है, वो फाइनली आपके प्रेजेंटेशन के अंदर आ जाएगा। तो पहली चीज मैंने क्या बोली, बी इन हरी, आपको जल्दबाजी में रहना। और जल्दबाजी में कैसे रह सकते हो, आप सीधा बोलोगे कि वैसे तो भाई मैं बहुत बिजी चल रहा था, मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू किया, मैं बहुत बिजी चल रहा था, बट तेरे से बात करना मेरे लिए जरूरी था। आपकी पहली लाइन देखो, डू नॉट फोकस टू मच ऑन वर्ड्स, आपको शब्दों पे इतना ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है, भावनाओं को समझो और उस तरीके से आपको डिजाइन करना है, अपने शब्द खुद चूज करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेन मुद्दा ये है कि सामने वाले को किसी ना किसी तरीके से ये फील होना चाहिए कि आप बहुत ज्यादा बिजी हैं, वैसे तो भाई मैं बिजी चल रहा था पर तेरे से बात करना मेरे लिए जरूरी था। इसी तरह की कोई भी पिच अपना बनाओ और आपको इस तरह से बात शुरू करनी है, ठीक है। दूसरा, कॉम्प्लीमेंट करना अपने प्रोस्पेक्ट को, ठीक है। जैसे ही आपने बिजी शो कर दिया उसके बाद आप कॉम्प्लीमेंट कर दो अपने प्रोस्पेक्ट को। कॉम्प्लीमेंट करने का फायदा क्या है,
कॉम्प्लीमेंट करने का सीधा सीधा फायदा यह है कि सामने वाला तुरंत हैप्पी मोड के अंदर आ जाता है, तुरंत खुश हो जाता है, ठीक है। लोगों को कॉम्प्लीमेंट बिल्कुल भी नहीं मिलते, आज का मार्केट ऐसा हो चुका है कि कोई भी किसी को कॉम्प्लीमेंट नहीं देता है, हर इंसान एक दूसरे को बेइज्जत करने में, एक दूसरे को नीचे गिराने में, चार लोगों के आगे नीचा दिखाने में लगा हुआ है, कभी भी किसी की बेइज्जती नहीं होती, गालियां दे रहे हैं, कुछ कर रहे हैं कुछ कर रहे हैं, पर कोई किसी को कॉम्प्लीमेंट कभी नहीं देता। तो अगर इस माहौल के अंदर अगर आपने कोई जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट दिया ना किसी को, 100% सामने वाला आपके लिए मतलब एकदम पॉजिटिव हो जाएगा, और अगर आप कुछ बोलोगे ना, कुछ ऑफर करोगे तो सामने वाला मना नहीं कर सकता, बहुत 90% केसेस में वो मना नहीं करेगा आपको, बात समझ गए। तो आपको कॉम्प्लीमेंट करना, बट इतना सा ध्यान रख लेना कि कॉम्प्लीमेंट जो भी आप करोगे ना वो कॉम्प्लीमेंट जेन्युइन होना चाहिए, फेक ना लगे। मतलब आप अगर बार बार कॉम्प्लीमेंट करोगे, हर बात पे कॉम्प्लीमेंट करोगे तो वहां पे भी कहते हैं एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, ठीक है। कोई भी चीज अगर अत हो गई ना, बहुत ज्यादा हो गई, तो फिर वो वहां पे समझ जाएगा कि ये फ्लैटरिंग कर रहा है। तो कुछ जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट करो, ठीक है, जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट। अगर आपको लगता है कि ये प्रॉब्लम सॉल्वर बहुत बढ़िया है या इसके अंदर मैच्योरिटी बहुत है, तो आप उस तरह से कॉम्प्लीमेंट करते हो कि भाई मैं तेरे को इतने टाइम से देख रहा हूं, तू जितना मैच्योर है ना, मेरे पूरे सर्कल के अंदर मैंने नहीं देखा कि इतना मैच्योरिटी किसी के अंदर हो। या फिर आप बोल सकते हो भाई मैं बहुत टाइम से नोटिस कर रहा हूं कि तू मेरे बारे में सोचता है भाई, मतलब बहुत कम ही लोग होते हैं जो दूसरों के बारे में सोचता है, तू मेरे बारे में सोचता है, या भाई मैं तेरे को बहुत टाइम से देख रहा हूं, तू बहुत तरीके से प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकालता है यार, तू बहुत डीपली सोचता है। छोटा सा एप्रिसिएशन बहुत मैटर करता है लोगों के लिए, ठीक है। तो आपने एप्रिशिएट कर दिया। तीसरा पॉइंट, मैंने बोला ना 8 स्टेप्स देने वाला हूं। पहला स्टेप क्या था हमारा, आपको जल्दबाजी शो करनी है। दूसरा स्टेप कि भाई मैंने देखा है कि तुम जिस तरह से प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो ना, या फिर अगर कोई अंकल जी हैं तो आप बोल सकते हो आप कि अंकल जी मुझे पता है, मैंने आपकी बहुत सारी बातें सुनी हुई हैं, आपके पास जितना एक्सपीरियंस है ना वो बहुत कम लोग हैं, मतलब मैं जानता ही नहीं किसी को, आप बहुत एक्सपीरियंस्ड हो और मुझे बहुत मजा आता है आपके बारे में जान के और ज्यादा, इस तरह से कुछ बताओ, लेकिन जेन्युइन रखो, जेन्युइन रखना जरूरी है, ज्यादा मत बोल देना वहां पे, ठीक है। अब बात करते हैं तीसरे स्टेप पे। तीसरा स्टेप है मेक द इनविटेशन, आपको तुरंत इनवाइट करना है सामने वाले को। अब इनवाइट कैसे करना है, इसके लिए आपको ध्यान से सुनना मेरी बात, इसके लिए आपको आई बटन पे एक वीडियो का लिंक मिलेगा, ठीक है। आई बटन पे मतलब आपके स्क्रीन के टॉप राइट कॉर्नर पे आई बटन पे एक वीडियो का लिंक मिलेगा आपको, उस वीडियो को जाके जरूर देखना। आज से 1.5 साल पहले या 2 साल पहले मैंने वीडियो डाली थी, लाख से ज्यादा व्यूज जा चुके हैं उसके ऊपर, वो वीडियो बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। उसमें से 3 अप्रोच मैंने बता रखे हैं, तीनों में से कोई भी अप्रोच को यूज करो और सामने वाले को इनवाइट कर डालो, कोई भी अप्रोच यूज करो और सामने वाले को इनवाइट कर दो। अब अगला स्टेप आता है कि आपने इनवाइट कर दिया, क्या यहां पे इनविटेशन खत्म हो गई? आपने बोला कि भाई मेरे वेबिनार के अंदर आ जाना, आपने बोला कि मैं एक वीडियो भेजूंगा उसको देख लेना, क्या यहां पे इनविटेशन खत्म हो गई? नहीं, बहुत सारे लोग यहां पे इनविटेशन खत्म कर देते हैं, पर यहां पे इनविटेशन नहीं खत्म करनी है, क्योंकि आप सोचो आपका वेबिनार 1 घंटे का होने वाला है, आपका वेबिनार 1.5 घंटे का होने वाला है, आपका वेबिनार आपके टाइम के हिसाब से होने वाला है, 6 बजे आपने रखा होगा, 8 बजे आपने रखा होगा, बट सामने वाले को आपने ऐसा क्या दिखाया या ऐसा क्या बेट दिया जिससे वो अपना टाइम निकाल के 6 बजे या 7 बजे आपके वेबिनार पे आए और वो भी 1 घंटा इन्वेस्ट करे? क्योंकि तुरंत तो मुद्दे पे कोई आता ही नहीं है, तुरंत मुद्दे पे तो कोई आता ही नहीं है। आधे घंटे पहले हम सब कुछ समझाएंगे, ESBI समझाएंगे, ठीक है, अनलिमिटेड इनकम क्या होती है, ये सारी चीजें हम समझाने के बाद, कंपनी की प्रोफाइल वगैरह बताने के बाद मेन मुद्दा बताते हैं कि भाई तुमको कैसे पैसा कमाना है, राइट? सामने वाला इतना टाइम क्यों देगा यार? तो हमें क्या करना है यहां पे, हमें कुछ मटेरियल भेजना है उसको, कुछ टूल्स भेजना है जिससे वो थोड़ा सा रिव्यू कर पाए। जैसे इन द केस ऑफ माय टीम, हमारी टीम का जो सिस्टम है उसके अंदर मैंने कुछ शॉर्ट वीडियोस बनाई हुई हैं, 2-3 मिनट की वीडियो, जिसके अंदर सीधा सीधा मैंने ये दिखाया हुआ है कि कितना पैसा मुझे आया, और उस वीडियो के अंदर मैंने बोला हुआ है कि अगर आप चाहते हो कि आप डिटेल्ड में इस प्रोजेक्ट को समझो तो आप क्या कर सकते हो, आप उसी बंदे से कनेक्ट करो जिसने आपको ये वीडियो भेजी है और उसको बोलो कि आपको 45 मिनट की वीडियो भेजी जाए। इस केस में क्या होता है कि सामने वाले को समझ आ जाता है, कोई टूल भेजा ना हमने उसको रिव्यू करने के लिए, सामने वाले को पहले ही समझ आ जाता है कि अच्छा इतना पैसा आ सकता है, 2 मिनट के अंदर उसने पैसा देख लिया, उसके बाद वो उस वीडियो को पूरा एंड तक देखेगा जो मेन वीडियो मैं भेजूंगा। सिमिलरली अगर आप अपने वेबिनार के अंदर किसी को बुलाना चाहते हो तो वेबिनार के अंदर बुलाने के लिए आपको कुछ टूल भेजना जरूर जरूरी है। अगर आपके पास नहीं है आप अपनी टीम का क्रिएट करो, अगर आपकी टीम का भी नहीं है तो आपको अगेन मैं आई बटन पे एक लिंक दे दूंगा, आप उस वीडियो को जरूर यूज कर सकते हो, मेरी टीम के लिए है वो वीडियो पर आप भी यूज कर सकते हैं, ऑलराइट। तो अब सामने वाले को हमें वो टूल देना कैसे है, बात यह है कि अगर हम टूल देंगे उसने नहीं देखा तो आपको क्या करना है, आपको यहां पे कंट्रोल अपने हाथ में रखना है। आपको उसको पूछना है कि अगर मैं आपको एक शॉर्ट वीडियो भेजता हूं, 2-3 मिनट की वीडियो भेजता हूं जिसमें थोड़ा डिटेल है, मैं आपको समझ आ जाएगा, डिटेल मत बोलना, बोलना कि थोड़ा ओवरव्यू मिल जाएगा आपको, ब्रीफ में आपको समझ आ जाएगा कि क्या प्रोजेक्ट है और इसका क्या पोटेंशियल है, तो क्या आप देखोगे?
आपने क्या बोला, अगर मैं आपको एक वीडियो भेजता हूँ 2-3 मिनट की, जिसके अंदर ब्रीफ में इस प्रोजेक्ट के बारे में समझाया गया और आपको पोटेंशियल समझ आ जाएगा इस प्रोजेक्ट का कि कितना पैसा आ सकता है, तो क्या आप वो देखोगे सामने वाले के पास क्या आंसर है, येस और नो? लेकिन इस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत सिंपल लग रहा है, बट इस क्वेश्चन को पूछने का जो अर्थ है ना, बहुत इफेक्टिव है इसका, क्योंकि हमारे हाथ में ना पावर होती है, यहाँ पे कंट्रोल हमारे हाथ में होता है। देखो, हमने ये नहीं बोला कि हम सीधा तुझे दे देंगे, हमने ये बोला कि अगर तू एक काम करेगा तो मैं एक काम करूंगा। ऐसे ही नहीं करने वाला मैं, मेरे चीज की मेरे को वैल्यू है। मैं अगर तेरे को अपनी वीडियो भेजने वाला हूं या अपनी टीम की वीडियो भेजने वाला हूं, तो आई वैल्यू दैट। अगर तू देखेगा तो मैं भेजूंगा, नहीं देखेगा मैं नहीं भेजूंगा, सीधी बात। और सच बता रहा हूं, अगर किसी ने बोल दिया ना कि मैं नहीं देखूंगा या नहीं देख पाऊंगा, गलती से भी कभी भी उसको मत भेजना, गलती से भी मत भेजना। अगर आप भेज रहे हो तो वहां पे आपने क्यूरियोसिटी उसकी खत्म कर दी, वो इंटरेस्टेड नहीं था, पर आप च्युइंगम माने, बात खत्म हो जाएगी वहीं पे। और अगर आपने नहीं भेजी ना, तो देख लेना, मेरी बात को ध्यान रखना, आप सिर्फ अपनी ग्रोथ डालते चले जाओ, आप अपने स्टेटसेस को अपडेट करते चले जाओ, धीरे धीरे मेहनत करते हुए आप जब उठोगे ना, तो जो लोग शुरुआत में आपको मना करते हुए चलेंगे, वही लोग झक मार के आपके पीछे आने वाले हैं। ट्रस्ट मी, ये मेरे साथ, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, तो ये आपके साथ होगा, ठीक है? आपने बोला कि अगर मैं तुम्हें एक वीडियो भेजूं तो क्या आप देखोगे, इससे 2-3 फायदे मैंने बताया ना, रेसिप्रोकेट कर रहे हैं। सामने वाला अगर कुछ करेगा तो हम करेंगे, अगर वो नहीं करेगा तो हम भी नहीं करेंगे, बात खत्म। अब उसके बाद क्या है, उसने बोला चलो जी मैं देख लूंगा, तो आप उससे ना कंफर्मेशन लोगे टाइम का कि कब तक देख लोगे, ऐसे नहीं छोड़ना, कब तक देख लोगे। कब तक देख लोगे से हमारा मतलब यह है कि हम उससे फॉलो अप करने का लीगल परमिशन मांग रहे हैं, ठीक है? वो बोलेगा भाई मैं इस टाइम तक देख लूंगा, आपने उससे क्या पूछा, चलो कब तक देख लोगे आप, तो उसने बोला कि मैं इस टाइम तक देख लूंगा, मैं 7 बजे तक देख लूंगा, मैं 8 बजे तक देख लूंगा, मैं कभी तक देख लूंगा। आपने उसको बोला चलो जी आप 8 बजे तक देख लूंगा, मैं 8:30 बजे तक अगर मैं आपको कॉल करूं तो आप देख चुके होंगे, करेक्ट है? अगला स्टेप मैंने बता दिया आपको। देखो, पहला स्टेप क्या था, जल्दबाजी शो करनी है। दूसरा स्टेप क्या था, आपको अप्रिशिएट करना है अपने प्रोस्पेक्ट को। तीसरा स्टेप क्या था, इन्वाइट करना है। चौथा स्टेप क्या था कि अगर मैं तुम्हें दूंगा तो क्या तुम देखोगे, ठीक है? और पांचवा स्टेप क्या था, हमने टाइम की कंफर्मेशन ले ली उससे, पूछ लिया कि भाई कब तक देख लोगे, उसने बोला इस टाइम तक देख लूंगा। अब आपको एक और बार टाइम की कंफर्मेशन लेनी है कि मतलब अगर मैं 8:30 बजे तक आपको कॉल करूं तो आप देख चुके होंगे, करेक्ट है? आप पता है क्या कर रहे हो, आप उससे बार बार हां बुलवा रहे हो, ताकि जब आप उसको फॉलो अप करोगे ना, तो उसको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसने खुद अपॉइंटमेंट फिक्स किया था, हमने नहीं बोला कि भाई हम इस टाइम पे देख लेंगे तुम्हें, ठीक है, हम इस टाइम पे तुम्हें कॉल करेंगे या हम कुछ करेंगे। हमने उससे पूछा कि अगर मैं इस टाइम तक कॉल करूं तो आप देख चुके होंगे, करेक्ट है? वो बोलेगा हाँ जी बल पक्की बात है, मैं देख चुका हूँ। अब क्या करना है, सातवां स्टेप क्या है, दोबारा से पूछो कि भाई इस टाइम तक फिर मैं आपको कॉल करता हूँ, करेक्ट है? इस टाइम तक स्केड्यूल कर लो अपने नेक्स्ट कॉल को, 100% स्केड्यूल कर लो। ये बहुत इफेक्टिव है, बहुत इफेक्टिव है। आप जब भी किसी से बात करते हैं और आप अगली कॉल को स्केड्यूल नहीं करते ना कि इस टाइम पे दोबारा बात करते हैं, तो आप वहां पे अपने प्रोस्पेक्ट्स को लूज कर रहे हो, आप सीरियस नहीं हो इस बिजनेस को लेके। आपको फॉलो अप याद रखना, फॉलो अप बहुत क्रूशियल स्किल है इस बिजनेस का। बोला जाता है ना, फॉलो अप, फॉर्च्यून इज इन द फॉलो अप, फॉर्च्यून इज इन द फॉलो अप। चाहे ये मैं आपको बताऊं, एक कंपनी है हैथवे, सच्ची बात बता रहा हूँ, अभी 2-3 दिन पहले हमने ऑफिस को शिफ्ट किया, ठीक है? तो ऑफिस को शिफ्ट करके दिसंबर में हमारा ये लास्ट, हमने जो भी उसको एक साथ सिक्योरिटी वगैरह देते हैं वो खत्म हो रहा है, हम दूसरी जगह पे ऑफिस शिफ्ट कर रहे हैं अपना, जो हमारा पर्सनल ऑफिस है वहां पे हमने हैथवे का वाईफाई लगा हुआ था, मेरा नंबर दिया हुआ था उस पे। अभी हैथवे का कनेक्शन बंद हुआ, ठीक है, कल परसों की बात है, उससे एक हफ्ते पहले से और आज तक मुझे इतने कॉल आते हैं ना दिन के, मतलब अलग अलग नंबर से। मैं एक टाइम पे इरिटेट होके मैंने एक को सुना भी दिया कि भाई ऐसा है मैं शिफ्ट कर रहा हूं, या तो तुम शिफ्ट करके मुझे वहां पे लगा के दे दो। लेकिन वो लोग ये भी नहीं कर रहे क्योंकि उनका डिपार्टमेंट नहीं होगा ना ये। मैंने बोला उसको कि या तो तुम मेरे घर पे रख जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे घर पे शिफ्ट कर दो अभी थोड़े दिनों के लिए, और उसके बाद मैं जब दूसरा ऑफिस लूंगा तो वहां पे करवा लेंगे। तो वो ये भी नहीं कर रहे, डिपार्टमेंट उनका ये नहीं है, तो वो कह रहे हैं कि ये कर लो, मेल कर लो, वो कर लो। लेकिन डेली अलग अलग नंबर से अलग अलग लोग मुझे कॉल कर रहे हैं। इतना तगड़ा फॉलो अप होता है कंपनीज का, आप फॉलो अप करने में क्यों घबराते हो मुझे ये बताओ। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको एकदम परेशान कर देना बंदे को, बट मैं ये कह रहा हूं कि सामने वाले से हमने खुद कंफर्मेशन ले ली, सामने वाले ने खुद बोला कि स्केड्यूल इस टाइम पे आप कॉल कर लेना, तो आप घबराहट किस बात की है? ध्यान रखना, अगर उसने बोल दिया कि इस टाइम पे कर लेना तो आपको करना है, अगर आपने नहीं किया तो फिर आपकी गलती है। और कई लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे कि अरे भाई मैं देख के बताता हूँ आपको, आपने पूछा कि कितने बजे तक देख लोगे, तो वो बोलेगा कि मैं बताता हूँ, चलो आपको देख लूंगा तो मैं बताता हूँ। ये बहुत होता है हमारे भारत के अंदर ना, मैं करके बताता हूँ, ये बहुत ज्यादा होता है। उस केस में सीधा बोलो कि भाई देखो आपका टाइम भी इंपॉर्टेंट है, मेरा टाइम भी इंपॉर्टेंट है, वाई नॉट टू लॉक अ टाइमिंग, मतलब एक टाइम लॉक कर लेते हैं ना कि इस टाइम पे आप देख लोगे, ताकि आपका भी टाइम वेस्ट ना हो, मेरा भी टाइम वेस्ट ना हो। अभी बहुत सारे लोग जिन्होंने मुझे बिजनेस के बारे में अप्रोच किया है,
तो आई जस्ट वॉन्ट टू लॉक द टाइमिंग इससे, मतलब एक बार थोड़ा सा फोर्स करो ताकि वो टाइमिंग को लॉक करे, चलो मैं आधे घंटे में देख लूंगा। और अगर कॉन्फिडेंट हो गए ना आप, मैं बता रहा हूँ दुनिया आधी से ज्यादा दुनिया डरपोक है, अगर आप कॉन्फिडेंट हो गए, अगर आपकी आवाज में दम होगा, सामने वाला मोस्ट केसेस के अंदर आपकी बातों में कन्वर्ट हो जाएगा 100%। आपको कन्वर्ट करना है, ठीक है। अब अगला स्टेप, लास्ट स्टेप, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, फोन रख दो। बहुत इंपॉर्टेंट है, फोन को रखना है। काफी लोग क्या करते हैं, भावनाओं में बहके और बातें करेंगे और बातें करेंगे और बात, वो चार सवाल पूछेगा, आप जवाब देना शुरू कर दोगे। कभी भी ये गलती मत करना, आपने 7 स्टेप कंफर्म कर लिए, नेक्स्ट कॉल को स्केड्यूल कर लिया सामने वाले के साथ, तुरंत बाय बाय बोल के फोन रख दो। इसके आगे की बातें नहीं करनी हमें, इसके आगे सीधा हमें टूल भेजना है। बात समझ आ गई आपको, इतना सा काम करना है बस, इन्विटेशन परफेक्ट हो जाएगा आपका, इन्विटेशन खतरनाक हो जाएगा आपका, राइट। तो इन्विटेशन को समझने के लिए एक वीडियो तो मैंने पहले ही आपको बता दिया आई बटन पे, एक वीडियो मैं और दे दूंगा आपको आई बटन पे अभी, जिससे आप और तगड़े तरीके से इनवाइट कर सकते हो अपनी लिस्ट के जिस मर्जी बंदे को चाहो कन्वर्ट करना, उस मर्जी बंदे को आप कन्वर्ट कर सकते हो। सो अगर आपको ये कॉन्टेंट अच्छा लगा है इस एपिसोड का, मुझे पता है ये कॉन्टेंट बहुत ज्यादा एक्सक्लूसिव है, अगर आपको ये बहुत बढ़िया लगा है, आपको पूरी टीम के साथ शेयर करना है और हर टीम के हर बंदे को पर्सनली बताओ कि इस वीडियो को जरूर देखे, ताकि उसका एक तो विजन क्लियर हो पाए और उसको पता लग पाए कि इनविटेशन कितना आसान स्किल है। सिर्फ 8 स्टेप्स अपने को परफेक्ट तरीके से हमें पॉलिश करना है, हमें मंझना है इन स्टेप्स के अंदर। अगर हम मंझ गए तो हमारा इनविटेशन बहुत खतरनाक हो जाएगा और जिस इंसान को आप बुलाओगे वो इंसान आएगा। आप वीडियो को यूज कर सकते हो, मैंने बता दिया आपको टूल के लिए, आप उस वीडियो को यूज कर सकते हो। एंड अगेन आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अच्छा, एक दिक्कत मुझे हो रही है, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, एक दिक्कत मुझे हो रही है, बहुत व्यूज आ रहे हैं वीडियोस के ऊपर, व्यूज आ रहे हैं, काफी अच्छे खासे एपिसोड्स देख रहे हैं लोग एंड तक, बट आप लाइक नहीं कर रहे हो, और ये जो है ये डिमोटिवेशन का कारण है भाई साहब। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो मुझे इंस्पायर करना आपका काम बनता है, ताकि मैं आपके लिए और ज्यादा अच्छा कंटेंट निकाल के लेके आऊं। सो लाइक्स आने चाहिए, कमेंट आने चाहिए, कमेंट के अंदर आप पूछ सकते हो मुझसे कि आपको क्या नहीं समझ आया या क्या आपके डाउट्स कुछ रहे, ऑब्जेक्शंस कुछ रहे, ताकि अगली एपिसोड के अंदर हम उसको भी कवर कर पाए। ऑलराइट, सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड, और खतरनाक एपिसोड के अंदर और खतरनाक स्किल के साथ। टिल द टाइम, पड़ा खेलते हैं, बाय बाय।